हनुमान सेवा समिति के द्वारा देश में फैली कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे राहगीरों एवं निवासियों में गुरुवार को भोजन वितरण किया गया। इस दौरान मौजूद हनुमान सेवा समिति के संरक्षक रोहित कोहली ने बताया कि पिछले विभिन्न क्षेत्रों में एवं बस्तियों में जाकर हनुमान सेवा समिति के कार्यकर्ता भोजन पेयजल दूध बिस्किट बांट रहे हैं। बाबूपुरवा क्षेत्र के वितरण समारोह में पहुंचे पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने मुस्लिम महिलाओं को लंच पैकेट देते हुए चेहरे एवं हाथों को निरंतर साफ करने की अपील करते हुए जागरूकता की बचाव की बात कही। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र सिंह पुत्ती चंदेल ने बताया कि जब तक भारत में लॉकडाउन चलेगा तब तक हनुमान सेवा समिति के कार्यकर्ता सभी को भोजन पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। इस दौरान समिति के राजेश साहू ने बताया कि समिति के द्वारा सुबह से ही सदस्य एकजुट होकर भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश में विकास भले ही ना हो परंतु देश विनाश न होने पाए। इस दौरान कमेटी के विजय शंकर शुक्ला ने अपील करते हुए नगरवासियों को बताया कि अगर किसी को भोजन की आवश्यकता है तो समिति से भोजन प्राप्त कर सकता है। इस दौरान पार्षद हरिशंकर गुप्ता, उमा शंकर शुक्ला, अमित तिवारी, संजय शुक्ला, प्रमोद रावत, लालजी गुप्ता, शिवदत्त गोलू, आदित्य दुबे, पिंटू सिंह, सोनू अवस्थी, जीतू कासी, शशांक मिश्रा, हिमांशु अवस्थी मौजूद रहे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो पुना हमारी छावनी विधानसभा क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, जो घर में भोजन नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए ये पुना जैसे कल भोजन बटा था आज भोजन बट रहा था। कल मैं जब यहाँ से निकल रहा था तो चौकी पे लोगों ने घेरा, यहाँ भोजन नहीं मिल रहा तो हम तुरंत भोजन मंगा के वो आटा बटवाया। लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम को देखकर हनुमान सेवा समिति के पप्पू भैया और रोहित भैया ने लगातार फोन सबका आ रहा था, पप्पू का बार बार आ रहा था, भैया आज मैं वहीं बांटूंगा, आपने बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, हम भी आज आपके वहीं पे बांटेंगे जिससे गरीबों को भूख की तृप्ति मिले। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों के लिए निकले। और मैं सबसे कह रहा हूँ कि सबको अपने पड़ोसियों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हर आदमी अपने पड़ोसी को देख ले तो सड़क पे कोई व्यक्ति आएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। आज मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने विकास की गति तो भारत की रुकेगी, आप समझ रहे हो, एक रुपया गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जा रहा है, लेकिन विनाश की गति रोक दी, हजारों की संख्या में मरने वाले लोगों को भारत में रोककर ये दिखा दिया कि हम मोदी हैं, हम जनता के लिए हैं, हम समाज के लिए हैं। हम एक व्यक्ति को कोरोना में जल्दी मरने का जो सिलसिला जारी है कम कर देंगे, और भारत में सबसे कम हुआ है। आप देखिए अमेरिका में, आप देखिए चीन में, आप देखिए इटली में कितने लोग मर रहे हैं, कई देशों मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मैं इस प्रयास को धन्यवाद देता हूँ कि विकास की गति रुके रुके लेकिन विनाश की गति बिल्कुल ना हो। ऐसे हम सब बीच में निकले हैं, समाज से भी निकले हैं, हम लोग भी बराबर निकले। वैसे हम लोगों पे भी रोक लगी है घर से ना निकलो, लेकिन अगर हम लोग निकलेंगे नहीं तो ये गरीब को कैसे क्या होगा। हाँ, व्यवस्था है, हम व्यवस्थित व्यवस्था करके चले जिससे न मुझे बीमारी हो न सामने वाले की बीमारी हो। हम सबसे कहते हैं 1 मीटर दूर रहो। बहुत बहुत आप सब पत्रकारों को धन्यवाद, और भगवान से चाहता हूँ आपको लंबी उम्र दे, क्योंकि आप भी ऐसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ महसूस होता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप मीडिया में हैं, आप दुनिया को नहीं दिखाओगे, आप समाज को नहीं, तो समाज निकल के कैसे सहयोग करेगा। पुनः अपने अशोक पाल और हरशंकर गुप्ता जो यहाँ के पार्षद है जुझारू, दोनों को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।